आज मैं आपको लेके आया हूँ SPR पे, जहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। जी हाँ, सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 71 के अंदर अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। इसका एक छोटा सा वीडियो तो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन उसके अंदर क्या था, उस टाइम पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है, तो वो नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लोकेशन के बारे में मैं बताऊँगा, और साथ ही साथ सिग्नेचर ग्लोबल क्या नए प्रोजेक्ट लेके आने वाला है गुड़गांव के अदर पार्ट में भी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर सिग्नेचर ग्लोबल की हम बात कर लेते हैं, तो SPR पर आज की डेट में इन्होंने नया जो लैंड पार्सल एक्वायर किया है, वो रफली 105 एकड़ का लैंड पार्सल है, जो कि यहां से स्टार्ट होता है और पीछे तक पूरा SPR तक जो है कंटिन्यूस लैंड पार्सल रहता है। आपने अगर SPR से निकलते हुए एक नई सेल्स गैलरी देखी होगी, तो वो सिग्नेचर ग्लोबल की ही नई सेल्स गैलरी बन रही है, जहाँ से ये इस टाउनशिप को बेचेंगे। टाउनशिप में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, बट ये पूरा 105 एकड़ का लैंड बैंक जो है एज ए टाउनशिप ही डेवलप होगा। सिग्नेचर ग्लोबल ने आज की डेट में जो है लग्जरी सेगमेंट के अंदर 37D से एंटर कर दिया है। 37D में जो लग्जरी प्रोजेक्ट लाए थे, वो विद इन 3 डेज सोल्ड आउट हो गया था। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था, बस मेरे को थोड़ी सी 37D एज ए लोकेशन उतना ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, क्योंकि आसपास में जो है थोड़ा सा किसी दूसरे डेवलपर के जो स्टक प्रोजेक्ट हैं वो पड़ जाते थे। बट यहाँ पे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, और सिग्नेचर जिस तरीके से प्रोजेक्ट डिलीवर करता है, इनके अगर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी किसी ने देखे होंगे तो वो किसी दूसरे डेवलपर के नॉर्मल प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में फार बेटर होते हैं। तो जब लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से उसको प्ले आउट करेंगे, किस तरीके से उसको बनाएंगे, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। क्योंकि एमिनिटीज़ में कोई कमी नहीं रहने वाली है, साइट बड़ी है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे, तो प्राइस भी लगातार अप्रिशिएट करता रहेगा। थोड़ा सा लोकेशन का अगर मैं आपको आइडिया दे दूं, तो SPR पे मेन 84 मीटर वाइड रोड से आपको एक्सेस मिलता है, और टाउनशिप का एक्सेस तो हो सकता है डायरेक्ट SPR से भी हो, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज में आ रहा है, उसका एक्सेस आपका 84 मीटर वाइड रोड से रहेगा। और यही रोड आप अगर अपोजिट में इसके देखोगे तो DLF अल्मेडा आ जाता है। DLF अल्मेडा अपने आप में एक लो राइज टाउनशिप है, और अपने आप में काफ़ी प्रीमियम मानी जाती है। अगर DLF अल्मेडा में आज की डेट में आप प्लॉट का रेट देखोगे, तो रफली 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट वहां पे हो चुका है। बिल्कुल साथ में ही अगर आप देखोगे दूसरी साइड में, अगर बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हो, तो अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। DLF कॉर्पोरेट ग्रीन वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे TCS आज की डेट में ऑपरेशनल है। एयर इंडिया बिल्कुल पास में ही यहाँ पे ऑपरेशनल है। इसके अलावा मल्टीपल कंपनीज हैं जो इस लोकेशन के आसपास में आ चुकी हैं, आसपास में ऑपरेशनल हो चुकी हैं। सो कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखते हो, ग्लोबल लीफ बिल्कुल पास में आ जाता है, तो आप NH8, द्वारका एक्सप्रेस वे, उसके अलावा सोना रोड, इन सारे हाईवे से वेल कनेक्टेड रहते हो। साथ ही साथ आपको अगर IJ एयरपोर्ट जाना है, तो आपके पास दो एक्सेस मिल जाते हैं। आप यहां से ग्लोबल लीफ जाओगे, वहां से आप NH8 के थ्रू भी जा सकते हो, और आप दूसरा एक्सेस ले सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे का। दोनों जगह से आपको एक फास्टेस्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। उसके साथ ही साथ जो है इस लोकेशन की एक और बहुत बड़ी खासियत यह है कि DLF भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। वो अपने प्रोजेक्ट में कंसंट्रेट करेगा, अपनी टाउनशिप में कंसंट्रेट करेगा, लेकिन होता क्या है, जब दो बड़े डेवलपर एक लोकेशन पे आते हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी काम होता है। गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प आउट करती है, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर जो है अपने आप में काफ़ी अच्छा लाइक जॉब क्रिएटर भी है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी काफ़ी फंड यहां से मिलता है इन टर्म ऑफ टैक्सेस, इन टर्म ऑफ लाइक EDC IDC एक्सेट्रा। सो डेफिनेटली ये एरिया काफ़ी बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट जो है रफली जो सुनने में आ रहा है, जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 26 एकड़ का लैंड पार्सल पहले कंपनी प्लान कर रही है, उसके बाद धीमे धीमे प्रोजेक्ट लाते रहेंगे। तो 26 एकड़ में जो अभी मार्केट की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि रफली 5-6 एकड़ का एक हॉस्पिटल की साइट भी यहाँ पर है। अभी तक SPR पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, और सिग्नेचर कुछ इस तरीके से प्लान कर रहा है जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल 6 एकड़ में जब बनाएंगे उसको किसी बड़ी चेन को प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि डेफिनेटली इनको तो रेंटल इनकम बनेगी, लेकिन लोगों के लिए एक बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलने लगेगी, जो कि आज की डेट में लोगों को पार्क हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मेदांता जाना पड़ता है, वो उस लेवल की एमिनिटीज़ आपको इस लोकेशन के आसपास में भी सिग्नेचर की टाउनशिप के अंदर ही मिल जाएगी।
कमर्शियल मार्केट भी यहाँ पर रहेगी और रफली 1920 एकड़ का जो है रजिस्ट्रल प्रोजेक्ट रहेगा। हाँ, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में एक चीज़ जरूर होने वाली है कि ये प्रोजेक्ट दो पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि एक 24 मीटर वाइड रोड बीच में से निकलती है। लेकिन आपको थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि दोनों में आपके क्लब हाउस रहेंगे, दोनों में आपके बेसिक एमिनिटीज़ रहेंगी, दोनों में स्विमिंग पूल रहेंगे। तो जब इस तरीके की एमिनिटीज़ आपको मिल रही होती हैं तो आप उन दो लोकेशंस को जो है दो प्रोजेक्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। इससे एक और फ़ायदा होता है कि जो एमिनिटीज़ होती हैं उन पे ओवरलोड नहीं होता है, क्योंकि डेफिनेटली जब 6-7 टावर यहाँ पे रहेंगे और उनकी जो एमिनिटीज़ यूज़ करने वाले लोग फैमिली ज़्यादा हो जाती हैं तो अब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो कहीं ना कहीं वो रश कम हो जाता है और उससे आप एमिनिटीज़ को भी बेटर वे में इंजॉय कर पाते हो। सिग्नेचर ने यही चीज़ 37D में भी की थी, वहाँ पे भी साइड दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी तो उन्होंने दोनों तरफ क्लब हाउस दे दिया था, दोनों तरफ स्विमिंग पूल दे दिया था और यही रीज़न था कि प्रोजेक्ट विद इन 3 डेज कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया था। वही सिचुएशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो उसके लिए क्या है कि आप इमीडिएटली हमारे नंबर्स पर कॉल करिए, जैसे ही इसकी UI स्टार्ट होंगी हम आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। आपका नंबर हमारे पास होगा तो डेफिनेटली हम रेगुलर बेसिस पर जो इसके अपडेट आते रहेंगे वो बताते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उसके अपडेट रेगुलर बेसिस पर चैनल के थ्रू भी मिलते रहेंगे। थोड़ा सा साइजेस की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जो साइजेस आने वाले हैं वो रफली 2400 स्क्वायर फीट से 3400 स्क्वायर फीट के बीच में रहेंगे। 3 BHK और 4 BHK के ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जो कि काफ़ी डिमांड में है और आज की डेट में जो डेवलपर अच्छे प्रोजेक्ट ला रहा है वो हमेशा इसी सेगमेंट को कैटर करने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर SPR के अंदर आप किसी लिस्टेड कंपनी के साथ जाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ राइट प्रोजेक्ट फॉर यू। सो मैंने आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में, लोकेशन के बारे में, बिल्डर के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया है। और भी कोई अपडेट चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए और रेगुलर बेसिस पे इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।